गाइस, दिस इज एंडी, यू वाचिंग बीइंग देसी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्रेन वेव्स M100 हाईफाई ऑडियो ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये काफ़ी नई एकदम ईयरफोन्स आई हैं अभी मार्केट में, और शायद ही इनका रिव्यू आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी मज़ेदार ईयरफोन्स और थोड़े महंगे भी हैं। तो आज हम आपको इनकी अनबॉक्सिंग दिखाने वाले हैं, और कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले इसके बॉक्स से। तो आप देख सकते हैं जो बॉक्स है उस पर सिंपली इन्होंने दो कलर्स से इस बॉक्स को बनाया है, एक ब्लैक और एक वाइट। दोस्तों, बॉक्स काफ़ी क्लासिक है और नॉर्मल है, तो बॉक्स इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है और मज़बूत है, कार्बन थोड़ा हार्ड है, तो जिससे आपका प्रोडक्ट सेफ रहे। इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें बॉक्स के ऊपर दिए गए कंटेंट्स की, तो आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है M100 हाईफाई ऑडियो, यानी कि हाई फिडेलिटी ऑडियो। और अगर हम साइड में बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ब्रेन वेव्स की ब्रांडिंग मिल जाती है उभरे हुए लेटर्स में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको उभरा हुआ ब्रेन वेव्स लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात इसकी लगी, और थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है ये। तो दोस्तों, इन्होंने मतलब थोड़ा स्टाइल में लिख रखा है ब्रेन वेव्स, शायद आप इसको ना देख पाएँ या फिर देख भी लो तो वेरी गुड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको जो ईयरफोन्स हैं ये आपको मिलते हैं 2 साल की वारंटी के साथ, यानी कि 24 महीने की वारंटी के साथ। और अगर हम नीचे जाएँ तो नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको मिलेंगे कंप्लाई ईयरबड्स के साथ। हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि कंप्लाई ईयरफोन्स क्या होते हैं और आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं ईयरबड्स। तो नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। इन्होंने नॉर्मली अपने लिंक्स दिए हैं और उसकी नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो दे रखी हैं। तो अब हम बॉक्स को खोल लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, जो हमारा आउटर बॉक्स था या फिर आप आउटर कवर कह सकते हैं, वो अब खुल चुका है, और अब हम उसके अंदर देखेंगे कि क्या पैकिंग है। तो आप देख सकते हैं, ये कुछ एक कंटेनर टाइप का आपको मिलता है, और इसके अंदर एक पाउच है या फिर आप कैरी बैग भी उसको कह सकते हैं, कैरी केस जो आपके मन में आए वो आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, तो ये काफ़ी हार्ड आपको इसमें दिया गया है, बहुत हार्ड जो केस होता है वो इन्होंने दिया है। और अगर आप किसी भी टेरेन में किसी भी जगह पर इसको लेके जाएंगे तो आई एम डैम श्योर कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और देखने में वाटर प्रूफ भी लगता है और काफ़ी मज़बूत है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों, कलर कॉम्बिनेशन भी इसका काफ़ी अच्छा है। आप चाहें तो कुछ और भी इसके अंदर रख सकते हैं, अगर आपके पास कोई फ्रेगाइल चीज़ है या फिर थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो हम बात करते हैं ईयरबड्स की, इनको ज़रा सा हम साइड में रख देते हैं, और अब हम चलते हैं इस क्लिप के ऊपर। तो आपको एक क्लिप मिलती है दोस्तों, जिससे आप अपने जो ईयरफोन्स हैं उनको स्टिक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे कंटेंट्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक यूज़र गाइड, आप देख सकते हैं कैसे आपको इसे यूज़ करना है। बट मेरे को तो नहीं लगता है कि ईयरफोन के लिए यूज़र गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें, अपना टाइम वेस्ट करना चाहें तो ज़रूर पढ़िए। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कंप्लाई ईयरबड्स, तो इनके बारे में हम आपको एकदम आराम से एक्सप्लेनेशन देंगे। तो इनको ज़रा हम साइड में रख देते हैं, एंड देन हम जाते हैं हमारे मेन ईयरबड्स की तरफ। तो दोस्तों, इन्होंने हमें बहुत सारे ईयरबड्स दिए हैं, मैं आपको गिनकर दिखाऊंगा कि इन्होंने कितने दिए हैं। तो पहले हम इसको ओपन कर देते हैं पैक को, कि कितने सारे ईयरबड्स हमें मिले हैं, एंड देन मैं सारे ईयरबड्स एक साथ निकाल लेता हूँ और देखते हैं कितने सारे ईयरबड्स इस कंपनी ने हमें दिए, और हम इनको लाइन वाइज और साइज वाइज लगाएंगे और दिखाऊंगा कैसे कैसे ईयरबड्स हमें मिले हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो ईयरफोन है इसके साथ मिलते हैं 17 ईयरबड्स। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा नंबर है ईयरबड्स के मुकाबले, बट फिर भी दोस्तों, दो जो ईयरफोन्स आपको डिफ़ॉल्ट मिलते हैं आपके ईयरफोन्स के साथ, और बाकी के जो 15 हैं वो मिलते हैं आपको नॉर्मली। तो आप देख सकते हैं, वो जो पैकेट में थे वो पूरे 15 ईयरबड्स थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी मज़ेदार आइटम है, और ये मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम के लिए काम आने वाले हैं, और काफ़ी टाइम तक आप इससे लगता है कि आप इन ईयरफोन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कंप्ली ईयरफोन ईयरबड्स की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंप्ली ईयरफोन्स ईयरबड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्ली ईयरबड्स का ये जो पैकेट है, प्रीमियम ईयरफोन टिप्स हैं। तो यहाँ पर इसके सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, सुपीरियर ऑडियो एक्सपीरियंस और जो भी नॉर्मल डिटेल्स हैं वो आप पैकेट में पढ़ ही सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस पैकेट को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, इस पैक के अंदर हमें मिलते हैं दोनों हमारे कंप्लाई ईयरबड्स। तो दोस्तों, ये ईयर टिप्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, ये फोम मटेरियल है। जैसा कि आपने F1 रेसेस में अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा, फार्मूला 1 रेसेस में
तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और जो भी गाना अगर आप इनको लगाकर सुनेंगे तो उसकी आवाज़ ना ही तो इनसे बाहर जाएगी और ना ही कोई एक्सटर्नल ऑडियो अंदर आएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे ईयरफोन्स की। तो दोस्तों जो हमारे ईयरफोन्स हैं आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के हैं, और हम सबसे पहले बात करते हैं इसके जैक की, जो इसका पॉइंट है 3.5 mm जैक। तो दोस्तों इसमें आपको एक एंगल मिलता है जिससे आप किसी भी डिज़ाइन के फ़ोन में लगाना चाहें, जिसमें आपका जो ईयर वो है जैक है वो ऊपर हो या नीचे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम बात करते हैं इसके रिमोट की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें वॉल्यूम अप और डाउन बटन मिलता है, और उसी के साथ आपको इसमें पॉज और कॉल अप या फिर कॉल ड्रॉप बटन मिल जाता है। और अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी इसकी धांसू है। मैं आप देख सकते हैं कितने ज़ोर से इसको खींच रहा हूँ बट फिर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, और उसकी मेन वजह यह है कि जो दोस्तों इसका वायर है वो फाइबर वायर है और उसके ऊपर इन्होंने रबर कोटिंग कर रखी है जिससे इनके वायर पर कुछ भी डिफरेंस या फिर फ़र्क नहीं पड़ता। और दोबारा अगर हम इसके जैक की बात करें तो दोस्तों ये गोल्ड प्लेटेड है जिससे आपको एक हाई क्वालिटी मिलती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे मेन ईयरफोन्स की। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका डिज़ाइन है वो ट्रायंगुलर शेप आप बोल सकते हैं या फिर फ्रस्टम टाइप का आप इसको बोल सकते हैं, और दोस्तों काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। आपको यह एल्युमिनियम मेटल मिलता है, और जो ऑडियो है वो बताया ही आपको हाईफाई ऑडियो मिलती है। तो अब हम अगर इसको टेस्ट करें, अगर हम अपने इसको टेबल पर मार कर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको अपने बार बार टेबल पर मार रहा हूँ बहुत ज़ोर ज़ोर से, बट जो इसका मेटल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कहीं से भी इस पर कोई स्क्रैच नहीं पड़ रहा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ईयरफोन्स की, और बजट में तो नहीं है बट हाँ ये एकदम प्रीमियम ईयरफोन्स हैं, और दिखने में तो है ही अच्छे और लुक भी काफ़ी अच्छा है ईयरफोन्स का। और इसी के साथ आपको दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रैपर मिलता है जिससे आप इसको जो वायर है उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, या फिर जैसे आप रनिंग के लिए जाते हैं तो उस हिसाब से आप इसको बड़ा या छोटा जो आपके वायर्स हैं उनको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके के ईयरफोन्स हैं और काफ़ी शानदार ईयरफोन्स हैं, और ज़रूर आपको पसंद आएंगे। तो अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इन्हें खरीद सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बीइंग देसी को, और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए।